क्या हाल है आप सबके। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एनटीए का नोटिफिकेशन है। तो नीट 2024 एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज क्या है आपके काम की, वो ये है कि इसको सबमिट करने का एक ही तरीका है, ऑनलाइन जो पोर्टल दिया हुआ है उसी पे जाकर के ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। आखिरी डेट 9 मार्च 2024 9 बजे तक है, इसका इंतजार मत करिए। इसके अलावा ट्रांजैक्शन का जो मनी ट्रांजैक्शन है, जो फीस वगैरह का ट्रांजैक्शन है, वो 9 मार्च को रात को 11:50 तक है, ये फीस दी हुई है। अब आप आगे चलेंगे तो 5 मई को ही पेपर है, 200 मिनट का है, 200 क्वेश्चन है, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50, बॉटनी 50, जूलॉजी 50, सेक्शन ए सेक्शन बी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये कुछ साइट्स दी हुई हैं, रिजल्ट की डेट बता दी गई है 14 जून 2024 को रिजल्ट है। इसके अलावा केवल और केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, ये वो जगह है जहां जाकर के, ये वो लिंक है जिस पर अप्लाई करना है। यहां पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, बड़ी आसानी से इसको भरा जा सकता है। ठंडे दिमाग से जाकर के अप्लाई करिए, कुछ भी ऐसी खास बात नहीं है। हाँ, हमारे लिए अपने आप को याद दिलाने का एक और मौका आ गया है कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, और इस तरह का जब प्रोसेस शुरू हो जाता है तो हम अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं। सो हमारे लिए तो मुद्दे की बात यह है कि अभी 19 दिन फरवरी में बचे हैं, 31 दिन मार्च में बचे हैं, 30 दिन अप्रैल में बचे हैं, और 4 दिन मान लेते हैं मई में बचे हैं। सो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 84 डेज बचे हुए हैं, उम्मीद है मैंने जोड़ा ठीक होगा, 84 डेज बचे हुए हैं। अल्टीमेटली अब से लेकर के इन 84 डेज में आप क्या करते हैं उससे डिसाइड होगा कि 5 मई को होगा क्या। अभी खूब हल्ला मचेगा, ये आ गया है, वो आ गया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को इसमें उलझाइए नहीं। बहुत आसान एप्लीकेशन फॉर्म होता है, लाखों बच्चे हर साल भरते हैं, आपने भी भरा होगा, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। करेक्शन की विंडो भी आती है, इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना करते हुए उस चीज़ को याद रखिए जो 5 मई को है। 5 मई को 2:05 तक हमारी जर्नी जारी है। मैं बहुत जल्दी जेनेटिक्स का मॉड्यूल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए जेनेटिक्स। जब आप क्लास में बैठेंगे तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपको बहुत फायदा इस जेनेटिक मॉड्यूल से होगा। थैंक यू सो मच।